जिंदगी जीने के दो तरीके हैं दोस्तों, या तो जो आप लोगों को मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो ऐसा का ऐसा ही जैसा आप लोगों को मिल रहा है, यानी कि जिस हालत में हो उसमें आप लोग खुश रहो, पर लेकिन अगर उस हालत में खुश नहीं हो तो अपने अंदर इतना बूता रखो कि उस हालत को चेंज करो और जो आप लोगों को चाहिए उसको एक तरीके से अचीव करो, और चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। यही बात यहां पर बोली गई कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं। तो जो अपने घोंसले में रहते हैं, जो 24 घंटे कंफर्ट जोन में रहते हैं, और उनको ये लगता है कि इसी कंफर्ट जोन में तुमको वो चीजें मिल जाएंगी जो तुमको लाइफ में चाहिए, तो तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसकी दौड़ में हैं। तो अगर आप लोग अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप लोगों को भी कोई दाना नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर चिड़िया को दाना नहीं मिलता, उसको घोंसले से बाहर निकलना होता है। तो जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जो, उनको सैल्यूट, और जो नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि इसी पैटर्न में जैसे आप लोग चल रहे हैं सही चल रहे हैं, आप लोग ऐसे ही अपना टारगेट अचीव कर लोगे, तो लगे रहो। अगर नहीं तो आज ही इसे चेंज करो, तो यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ SLV 4AM आर्मी। तो यहां पर बोलो कि हमें गर्व है कि हम लोग 4AM आर्मी का पार्ट है। कोई इंडिया में आज के डेट में इस टाइम उठकर नहीं पढ़ रहा है, अगर कोई इस तरीके से देखा जाए, बहुत कम बच्चे हैं, बहुत एक कम क्वांटिटी में आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो बिल्कुल हिम्मत लगती है यार उठने के लिए, इतना आसान नहीं होता है। चैलेंज करके देखो एक बार अपने आप को कि हाँ उठना है उठना है, ना नानी याद आ गई तो बता देना, तो जो उठ रहे हैं ना मॉर्निंग उनको सैल्यूट करो, ठीक है। देखो अपने आपको, अभी एक छोटी सी एक स्टोरी याद आ गई, एक बच्चे के द्वारा लिखी गई थी मुझे, तो उसके द्वारा बोला गया कि सर आज की डेट में घर से जो रेस्पेक्ट मिल रहा है ना ओनली सुबह उठने की वजह से, सर मैं आपको बता नहीं सकता यार, ये चीजें मैंने फील की है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूं जब आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो दिल को टच करते हैं, ये चीजें मैंने बहुत जगह देखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में यहां पर ये जो चीजें आप लोगों के सामने लाने स्टार्ट करी है। इसका बेसिक पर्पज ये है ताकि आप लोगों को भी ये चीजें दिखा सकूं और आप लोग भी अपनी लाइफ में मोटिवेट हो सको। सोचो कि एक तो दिन स्टार्ट करें 7-8 बजे उठ के, और एक कराए 4 बजे उठ के, तो कितना एडवांस होगा आपका दिन और कितना कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर रहेगा, तो यहां से आप लोग चीजों को जान सकते। तो आइए तो आज की न्यूज का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं कि कर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो न्यूज होती है आप लोगों के सामने, ये डायरेक्ट भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और आप लोगों से ऑप्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोग ये बिना ऑप्शन के क्वेश्चन का आंसर देना एक बार सीख गए तो एग्जाम में तो आप लोगों को हलवा लगेगा। आप लोग इसको ऐसे खाओगे कि आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आप लोगों की उस लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो लगे रहो, ठीक है। तो वही बात है मांझी मूवी वाली, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमार, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन मतलब भ्रष्टाचार निरोधक, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकना। तो ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार की थीम क्या है इसकी, ये आप लोगों को बतानी है। बांग्लादेश के द्वारा एक कंट्री के साथ में अभी यहां पर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PTA बोलते हैं। तो यहां कौन सी कंट्री है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो जब न्यूज डिस्कस करूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी ये न्यूज। आगे यहां पर बात की जा रही है रिसेंटली एक कल्चर जो कम्युनिटी है उसके बारे में, अभी उसको रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है जो रिसेंटली अभी न्यूज में है। कौन सा मंत्रालय है हमारी कंट्री में जिसके द्वारा बोला गया है कि जो स्मगलिंग होती है उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसको बोलते हैं स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट। तो यहां पर जो रिपोर्ट आई है ये 1920 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और इसमें यह बोला गया कि जो फॉरेन की करेंसी होती है, गोल्ड होता है, या फिर जो गलत तरीके से जो नशीले पदार्थ होते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है, इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखा जाता है, और कहां कहां पर स्मगलिंग हो रखी है, कहां कहां पर गलत तरीके से पैसा, गलत तरीके का धंधा कर इनको यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान कौन रखता है, ध्यान रखते हैं यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसको DRI बोलते हैं। तो इसके द्वारा एक अवार्ड भी जाते हैं, इस अवार्ड का नाम आप लोगों को बताना है। और अब की बार एक पर्टिकुलर पर्सन को ये अवार्ड मिला है जो कि 1961 यानी कि 1961 बैच के इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज यानी कि IRS है, तो इनको ये अवार्ड मिला है यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में, इवन UPSC भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती है कई बार, छोटे छोटे से जो आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो उस लेवल पर जाकर करोगे, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए वो यार हाथों से निकल के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पछताना ना पड़े, इतनी मेहनत कर लो कि बाद में पछताना ना पड़े। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया इन्वेस्ट इंडिया द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसी है इंडिया की, उसको विनर किया गया 2020 के लिए एक अवार्ड के लिए। इस अवार्ड का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है 37 यानी कि 37वीं जनरल बॉडी जो मीटिंग है सेंट्रल जू अथॉरिटी की, वो किसके द्वारा चेयर की गई, तो आप लोगों को ये बताना है। तो ये जो चेयर की गई किसके द्वारा, अभी इनके द्वारा दो नए जू को डिक्लेयर किया गया है। एक तो यहां पर राजगीर जू सफारी इन नालंदा कहां पर है, बिहार के अंदर, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। और दूसरा यहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां
प्राणी उद्यान ये है गोरखपुर के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए जू। तो यहां पर ये सेंट्रल मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके द्वारा यहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग ही समझ में आ गए होंगे, हाँ या ना बताइएगा जरूर, और इनके आंसर आप लोगों को कितना पता है वो उनके आंसर दीजिए तब तक, पर जब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे तब आप लोग इनका आंसर और अच्छे से कर पाओगे। तो पूरा न्यूज का एक एक कर अब हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, पर उससे पहले आप लोगों के लिए यहां पर एक क्वेश्चन है, देखता हूं कि पॉलिटिक्स का कितना आप लोग रिवीजन कर चल रहे हैं, तो उसको ढंग से रिवाइज कीजिए। बात की जा रही है कंट्रोलर एट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कैग भी बोलते हैं, तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर नोट ट्रू है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए, एग्जाम में छोटी छोटी गलती कर देते हैं। पहला पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यार ये क्या है आर्टिकल 148, सही है एकदम आंसर लगा देंगे। अबे ये तो पढ़ लो, यहां पर नोट ट्रू बोला गया है, तो यहां पर रहे एक नहीं कहते कि आदमी को ना पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को सही डायरेक्शन देगा और सही जगह पहुंचाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वरना जो भी किया है जो भी मेहनत की है उस पर वो नहीं कहते किरे किराए पर पानी फेर दिया तो वो हो जाएगा वरना। तो पहली स्टेटमेंट है यहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 148 में यानी कि 148 में। दूसरा बोला गया कि ये ऑडिट करता है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, किसके अकाउंट यहां पर ऑडिट करता है। तीसरा बोला गया ये गार्जियन है यानी कि रखवाला है पब्लिक फंड, जो हमारी कंट्री में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका गार्जियन भी इसको बोला जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यहां पर ये समराइज करता है एज ए जनरल ऑडिटर, यानी कि जनरल ऑडिटर के तरीके से भी इसको देखा जाता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से कई बार पूछे जा चुके हैं, इसके बारे में आंसर जरूर अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में बताता हूं फिर आप लोगों को आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर आज का इंपॉर्टेंट डे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डे के बारे में इसकी थीम भी हम लोग जानेंगे। जो ये डे है इसका नाम है यहां पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक डे, तो भ्रष्टाचार को रोकने का दिन है यहां पर ये। आज की डेट में हर एक लेवल पर आप लोगों को भ्रष्टाचार नजर आता है, छोटा छोटा सा काम करवाने के लिए भी, जरा जरा से काम कराने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफिस में भी आप लोगों को भ्रष्टाचार के बैठे हुए एक तरीके से नुमाइंदे नजर आएंगे, और हर जगह ये कंडीशन है। और इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के लोग ही भ्रष्टाचार है, आप लोग भी उतने ही ज्यादा भ्रष्टाचार हो अगर आप लोग कहीं पर रिश्वत देते हो, तो दोनों का उतना ही यहां पर भागीदारी रहती है, रिश्वत देने वाला भी और रिश्वत लेने वाला भी। तो यहां पर 9 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि करप्शन जो है उसको रोका जा सके, और ऐसा नहीं कि करप्शन हमारे ही देश में है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को बहुत बड़े बड़े करप्ट कंट्री नजर आ जाएंगी। इसी के चलते यहां पर मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो फिनोमिनन है उसके चलते मैक्सिमम जो कंट्री है वर्ल्ड में वो चाहती है करप्शन को हटाया जाए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, तो इसी के चलते यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो यहां पर अब की बार की जो थीम रखी गई है बोला गया कि यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको खड़ा हो जाना है भैया, भ्रष्टाचार नहीं करने देना है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है अगर लाइफ में आप लोग एसएलवी फैमिली से पढ़कर जाते हैं तो देखिए एक काम कर दीजिएगा, बस यही मेरी फीस भी है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कभी भी जाकर कोई भ्रष्टाचार मत कीजिएगा कहीं पर, कम से कम इतना आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि गंदगी जो होती है वहां पर कम से कम एक तो कोई कमल खिलाओ जो उसको वहां पर स्वच्छ साफ स्वच्छ रख सके, बस यही है कि एक यही चीज जो है जो मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे और यही होना चाहिए कम से कम, क्योंकि देश जो है वो सबके कंधे पे नहीं चलते हैं, चार आदमी चाहिए और वो चार आदमी में से एक आदमी आप होंगे। आइए आगे चलते हैं, यहां पर इंटरनेशनल न्यूज है काफी इंपोर्टेंट है, डिटेल में थोड़ा समझते हैं क्या क्या बात की जा रही है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये भी समझेंगे। यहां पर बात की जा रही है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के द्वारा साइन किया गया यहां पर फर्स्ट प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, प्रिफरेंस देना, प्रिफरेंस देना। आप लोगों को भी लाइफ में कई सारी चीजों को प्रिफरेंस देते होंगे, अपने मम्मी पापा से पहले बात करनी है या फिर किसी दोस्त का फोन आ रखा है उससे पहले बात करनी है या किसी से मिलने जाना है या फिर आप लोगों को किस चीज को प्रिफरेंस देना है, घर से पैसे आए 10,000 रुपए क्या खरीदना है पहले, यार पहले ना किताब खरीद के लेके आते हैं या फिर मोबाइल खरीद के आते हैं या फिर मूवी देखते हैं या फिर पार्टी करते हैं, तो आप लोगों को प्रिफरेंस देना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से बात की जा रही है। तो अगर यहां पर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है तो बांग्लादेश ने भूटान के साथ में साइन किया गया और ये यहां पर बांग्लादेश के साथ में जो भूटान प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट कंट्री है बांग्लादेश के साथ में जो फर्स्ट कंट्री प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन कर रही है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भूटान में क्या दिख गया है इनको कि भूटान के साथ में प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ दिख गया है। भूटान ही वो कंट्री है, आप लोगों को याद होगा जब यहां पर 1971 की वॉर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये 1971 की वॉर थी हमारी कंट्री में, जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी, और इसको हम लोग बोलते थे ये जो ये लेफ्ट वाला साइड है इसको हम लोग बोला करते थे वेस्ट पाकिस्तान और इसको बोला करते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान 1971 के बाद में ये बन गया बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, यानी कि एक नई कंट्री का जन्म हुआ। तो जब नई कंट्री का जन्म हुआ सबसे पहले इसको ये रिकॉग्नाइज करने वाला एक्सेप्ट करने वाला भूटान था, इससे पहले सबसे पहले यहां पर भूटान ने एक्सेप्ट किया था कि हां तुम एक कंट्री बन गए हो।
तो इसलिए भूटान को, भूटान सबसे पुराना दोस्त आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए फर्स्ट कंट्री यहां पर बांग्लादेश का बना है जिसके साथ में, इसके साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो भूटान से अगर कुछ भी यहां पर आएगा उसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह नहीं रहेंगी, तो ड्यूटी फ्री एक्सेस रहेगी प्रोडक्ट की। तो इससे क्या फायदा होगा आप लोग ये समझिए, भूटान से अगर आज के डेट में यहां पर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ले जाया जाता है और बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस पर टैक्स लग रहे हैं, पर लेकिन भूटान से जो जा रहा है उस पर टैक्स नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब भूटान का प्रोडक्ट वहां पर सस्ता होगा, तो जनता भूटान का प्रोडक्ट खरीदेगी क्योंकि जनता को सस्ता माल चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एग्रीमेंट जो है यहां पर, ये ओकेजन जो बेसिकली 50 साल हो रहे हैं तो उसके एक तरीके से उपलक्ष्य में इसको साइन किया जा रहा है। 1971 में भूटान पहली कंट्री था जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया गया, और हमारी कंट्री कौन सा था, वो सेकंड कंट्री था जिसने बांग्लादेश की आजादी को रिकॉग्नाइज किया। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि पहली कंट्री कौन सा, तो आप लोग कंफ्यूजन में डाला जाता है। तो भूटान था पहली कंट्री, और बांग्लादेश वो कंट्री है जो हमारी कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर टच करती है, और सबसे कम बॉर्डर टच कौन करती है, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बांग्लादेश ने साइन किया यहां पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये भूटान के साथ में, इसके चलते जो 100 बांग्लादेशी जो गुड्स हैं वो एंट्री करेंगे, वो यहां पर एंट्री इनकी होगी, विल एंट्री भूटान ड्यूटी फ्री एरिया में, और उनका इनके एरिया में जाएगा, और 34 आइटम भूटान से आएंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये काम चलने वाला है। तो देखते हैं कितना फायदा यहां पर एक दूसरे को होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये नेशनल न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो HAL है। HAL क्या है यहां पर, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL जो है हमारी कंट्री में, ये स्टेट ओन एक एरोस्पेस डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर है, और ये हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री कौन सी है, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के अंदर में आती है। तो इसी के साथ में जो ISC है यहां पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहां पर ये मिलकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात करें, कहां पर ये कर रहे हैं, यहां पर चकलेर। ठीक है, तो यहां पर कहां पर है ये चकलेर, ये यहां पर चित्रगुद, जो यहां पर जो चित्रदुर्ग, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर। तो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है जिसमें 5 कोर्स रहेंगे, ये भी वर्चुअल मोड में, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को वर्चुअली पढ़ाता हूं, आप लोगों के सामने नहीं रहता हूं मैं, पर फिर भी आप लोगों के सामने नहीं रहता हूं, फिर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि हम लोगों का दिल के साथ में दिल का कनेक्ट है, आप लोग मेरे साथ में दिल से कनेक्ट हो। तो यानी कि जो दिल का कनेक्शन होता है वहां पर, ये जरूरी नहीं कि आप लोग सामने फेस टू फेस रहें, जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा से डेली बात करते हैं क्या, ऐसे कितने बच्चे हैं जो डेली बात करते हैं, कुछ ऐसे होंगे डेली करते हैं, हालांकि कुछ ऐसे होंगे जो अल्टरनेटिव डेज पे करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो हफ्ते में एक दो बार करते हैं। तो इससे आप लोग ये देखिए, आप लोग के मम्मी पापा आप लोग से दूर रहते हैं अगर आप लोग बाहर रहते हैं, पर लेकिन उनके लिए कभी आप लोग के मन में रेस्पेक्ट जो है, उनका प्यार जो है, वो कभी कम होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दिल से कनेक्ट हो आप लोग एक दूसरे के साथ में। तो इस तरीके से जो वर्चुअल जो क्लास है यहां पर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये यहां पर जो इंजीनियरिंग एरिया में, खासकर जो एरोस्पेस जो है, खासकर इसी के साथ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो इनमें यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, जरा बताइए तो सही, कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, फिर कल एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा जाकर होमवर्क करिएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो सेंटर जो है यहां पर, ये लोकेटेड है कहां पर, ये यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यहां पर टोटल मिलाकर 1500 एकड़ का जो कैंपस यहां पर बनने वाला है, यहां पर चिलाकरे के अंदर में यहां पर ये, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी की तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है। तो यहां पर मॉडर्न लैब देखने को मिलेगी, क्लासरूम, ऑडिटोरियम, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन भी देखने को मिलेगी, 4250 यानी कि 250 जो ट्रेनी और फैकल्टी रहेंगे उनके लिए सारी फैसिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी। आखिर ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में क्यों तैयार किया जा रहा है, तो देखिए, अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में निकल कर आते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर बढ़ेगा, हम लोग खोज खबर ज्यादा करेंगे, तो हमारी कंट्री में वो सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकेंगे जो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, और हमारी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। हमारी कंट्री में खुद के एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप लोगों को हाई क्वालिफाई यहां पर हमारी कंट्री में नजर आएंगे। तो HAL जो है यहां पर, ये हमारी कंट्री में एक स्टेट ओन यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये है HAL, जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अब आप लोगों को लेकर चलता हूं योगी जी के राज में। तो उत्तर प्रदेश वालों, आंखें खोल लो, आप लोगों के एरिया में चल रहे हैं यहां पर बात चल रही है। तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी जो थारू ट्राइब है, जो थारू जो बेसिकली जनजाति है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसकी जो कल्चर है, एक यूनिक कल्चर है, तो उसको यहां पर एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश उसको की जा रही है ताकि दुनिया जो है इसके बारे में जाने। तो जो कम्युनिटी है थारू, यहां से जो लोग रहते हैं वो त्राई लोलैंड, जो खासकर जो शिवालिक रेंज होती है, खासकर लोअर हिमालय जिसको बोलते हैं, शिवालिक रेंज या फिर लोअर हिमालय जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर रहते हैं, जो भी जंगल वन में से जो सामान मिलता है उसको ये लेकर आते हैं, शहद वगैरह, फिर फल फ्रूट्स वगैरह वहां से, और उसी की ये एक तरीके से एग्रीकल्चर भी वहां पर कुछ एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। जो वर्ड थारू है यहां पर, ये बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ड्राइव किया गया यहां पर, ये कहां से ड्राइव किया गया है यहां पर, ये सतावीर, ठीक है।
तो सतावीर जो है यहां पर ये बेसिकली फॉलोवर माने जाते हैं बुद्धिज्म के, और किसके, ये थरावाड़, तो थरावाड़ जो बुद्धिज्म है उसके फॉलोवर माने जाते हैं, तो ये वर्ड यहां से निकल कर आता है। इसी के साथ में जो थारूज होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जो यहां पर कम्युनिटी रहती है, वो यहां पर महादेव शिव के भी यहां पर अनुयायी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसको यहां पर सुप्रीम नारायण की तरीके से यहां पर इसको ये मानते हैं एक तरीके से। और यहां पर आप लोगों को जो कई तरीके की चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि हार्वेस्टिंग रेन, या फिर जो सनसाइन के टाइम पर यहां पर पूजा वगैरह देखने को मिलती है। थारूज जो है ये इंडिया और नेपाल के अंदर देखने को मिलते हैं। हमारी कंट्री में कहां कहां पर पाए जाते हैं, ये यहां पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मेनली कम्युनिटी पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी, यहां पर इसके ऊपर नजर डालेंगे। देखिए कई बार कई सारे जो मैसेज होते हैं ना, एक बच्चे के द्वारा बोला गया, एक काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि सर आपकी वजह से सुबह उठ पा रहा हूं, वरना ये पॉसिबल नहीं था, मैं तो कहीं इसमें हूं ही नहीं यार, ये आप लोग उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं उठेंगे तो मैं घर पे आगे उठाऊंगा थोड़ी ना, आप लोग मोबाइल बंद करके लेट जाएंगे, मैं उठाऊंगा थोड़ी ना, तो ये आप लोग खुद उठ रहे हैं, तो आप लोग के अंदर इतना डेडिकेशन है अपने गोल को लेकर, तो आप लोगों का डेडिकेशन आप लोगों को उठा रहे हैं, ना कि मैं उठा रहा हूं, मैं तो बस एक मीडियम ही तो हूं यार, लेक्चर लेके आ रहा हूं, अगर जिसको उठना होगा मेरे लेक्चर के बिना भी उठेगा, ऐसे थोड़ी ना, बस एक मीडियम मिल जाता है कि हाँ एक मन को सहारा मिल जाता है, संतुलन मिल जाता है कि हाँ ये काम करना है इसलिए उठना है, तो मैं जस्ट एक मीडियम हूं, वरना बहुत सारे सो रहे हैं, जितने उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं, वरना कई सारे सो भी रहे हैं, तो इसलिए ये आप लोगों की मेहनत है, तो अपने आप को सैल्यूट करो, अपने आप को भी शाबाशी दिया करो। आगे यहां पर जो न्यूज है ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के नाम से भी आप लोग जानते थे, तो इसके द्वारा यहां पर अभी बात की जा रही है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप किया जा रहा है, खासकर जिसको फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहां पर पिक्चर में दिखाता हूं, इसको आप लोग जान पाएंगे, कुछ इस तरीके की फ्लोटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। देखिए अगर पोर्ट के ऊपर ही जहाज आएगा तो कई जगह आप लोग देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहां पर ये हमारी कंट्री हो गई, अगर इसको आप लोग देखिए इस तरीके से, तो जो ये कंट्री का जो नीचे वाला पोर्शन हो गया यहां पर, तो यहां पर पास में ही जो बड़ा जहाज है उसके आने की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि जो पानी होता है वो काफी कम होता है यहां पर, और मिट्टी जो होती है इस तरीके से जारी रहती है, तो यहां पर ये अड़ जाता है, पास में नहीं आ पाता है। पर लेकिन ऐसी कोई फ्लोटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग समुद्र में ले जाकर डाल देते हैं, तो वहां पर सामान रखना, सामान उतारना, ये सारा काफी आसान हो जाता है, तो इससे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसको काफी फायदा देखने को मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसी के ऊपर यहां पर काम कर रही है, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये यहां पर काम करेंगे वर्ल्ड क्लास फ्लोटिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जाएगा यहां पर, जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है यहां पर ये काफी एक तरीके से एडवांटेज यानी कि फायदा पहुंचाने वाली है, और ये सारा काम किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवेज के द्वारा। तो क्या करेंगे यहां पर, ये फ्लोटिंग जेटीज जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई पिक्चर में, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर बनाएंगे, तैरता हुआ एक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये काफी फायदेमंद भी रहेगा। देखिए इसको कई तरीके से देखा जा रहा है, अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि फ्लोटिंग है यहां पर, तो इससे एक तो आसपास वाले एरिया में जो पोर्ट को जो नुकसान होता है, अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन आप लोग करते हैं, एक कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन आप लोग करते हैं, खुदाई करके कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, तो एनवायरमेंट को भी कम नुकसान होता है, और जो वैसे कन्वेंशनल आप लोग बनाते हैं खोद पीट के वहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसको बनाने में भी लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं, पर लेकिन ये कुछ महीनों में ही तैयार हो जाती है जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर रहती है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी, टाइम के पॉइंट ऑफ से भी, और इसी के साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई जाती है, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारी कंट्री में कोई सामान आ रहा है, कोई सामान जा रहा है, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग उसको ला और ले जा सकते हैं इन फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो कौन यहां पर काम करे, ये काम कर रही है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है यहां पर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये बात करिए रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में, और देखिए ये जो न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाली, क्योंकि अभी इस मिनिस्ट्री का नाम भी चेंज किया है ना, तो इसलिए भी अगर कोई न्यूज में होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी भी चीज की वजह से, तो वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछ ली जाएगी। अभी जैसे जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया बांग्लादेश और भूटान के बीच में, तो यहां पर वैसे तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया, पर आप लोगों से रीजन पूछ लिया जाएगा बैकग्राउंड में जाकर, 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कौन सी सही है यहां पर, कि बांग्लादेश के साथ में फ्री प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करने वाली भूटान दूसरी कंट्री है, पहली इंडिया थी, ठीक है, ऐसा बोल देंगे आप लोगों। इसी के साथ में वो बोल देंगे कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने वाली भूटान तीसरी कंट्री है, पहली यहां पर इंडिया थी और दूसरी म्यांमार थी, तो इस तरीके से स्टेटमेंट आप लोगों को दे देंगे। तो आप लोगों के माइंड में अगर पूरी न्यूज क्लियर रहेगी तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा, पर लेकिन जो आधी अधूरी नॉलेज होती है ना वो भी खतरनाक होती है, या तो कोई चीज जानते हो या फिर नहीं जानते हो, तो इस तरीके से थोड़ी ध्यान रखिए, बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल पता ही नहीं है कुछ भी, छोटी सी बस एक कहीं झलक सुन ली थी, हालांकि वो भी फायदेमंद रहती है अगर बिल्कुल ही कुछ तैयारी नहीं कर रखी है, पर जिनकी अच्छी तैयारी है उनको न्यूज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसको बोला गया है स्मगलिंग जो है उसके बारे में बात की जा रही है स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट। स्मगलिंग गलत तरीके से जो कोई हरकतें की जाती है जैसे कि विदेशी मुद्रा में या फिर मादक औषधि कोई ऐसी देखने को मिलती है जिसको आप लोग नॉर्मली नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, स्मगलिंग के पॉइंट ऑफ से, इन्वॉल्वमेंट के पॉइंट ऑफ से या फिर कमर्शियल कोई फ्रॉड किया जाता है तो यहां पर कौन काम करता है, यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है क्योंकि यहां पर पैसा संलिप्त पाया जाता है किसी न किसी तरीके से। देखिए जहां पर पैसा ज्यादा फोकस में आ जाएगा ना वहां पर लालच रहेगा और जहां लालच रहेगा वहां पर गड़बड़ी रहेगी। जिस इंसान मुझे यहां पर काफी इंपोर्टेंट डायलॉग लगता है वो डायलॉग है अजय देवगन जी का, ठीक है। तो सिंघम मूवी का काफी इंपोर्टेंट और काफी ये दिल को छूने वाला डायलॉग है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। अगर जरूरतें आप लोगों की कम रहेंगी ना तो आप लोगों का जमीर में हमेशा दम रहेगा। अगर आप लोग हमेशा ये सोचेंगे कि ये गाड़ी होनी चाहिए, ये बंगला होना चाहिए और उसको पाने के लिए गलत रास्ता आप लोग इख्तियार करेंगे तो फिर गलत रास्ते से ही जल्दी पैसा कमाया जाता है, अच्छे रास्ते पर चलकर मेहनत से पैसा कमाया जाता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए बोला गया कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो जमीर में दम रखिए, अपना जिंदगी को शान से जीजिए, वही एक तरीका जीना होता है। तो यहां पर जो बात की जा रही है यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, तो ये है यहां पर जिसके द्वारा ये रिपोर्ट कंपाइल की गई है। तो यहां पर रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो कि निर्मला सीतारमन जी के अंडर में आती है और कंपाइल यानी कि इकट्ठा किया गया है जिसको एक जगह ये किया गया यहां पर काम किया गया बेसिक वो किया गया डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है ये। इसके द्वारा यहां पर 412 के करीब जो केस है स्मगलिंग के वो यहां पर अभी देखने को मिले जिसमें बात की जा रही है कि लगभग यहां पर 1949 करोड़ के करीब यहां पर 2019-20 में अरेस्ट किया गया यहां पर 837 जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है हमारी कंट्री में। इसी के साथ में 761 के करीब कॉम्प्लेक्स केसेज जो कस्टम ड्यूटी इवेजन के देखने को मिले जिसमें 2183 करोड़ रुपए का यहां पर घपला सामने आया। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितने लार्ज स्केल पर करप्शन देखने को मिलता है। तो करप्शन डे के बारे में बात की और जीते जागते उदाहरण आप लोगों के सामने यहां पर करप्शन के, तो यही है जो एक खतरनाक क्रिएट करते हैं काम। अब देखिए सब लोग ईमानदार नहीं होते, कोई कोई देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके के एक ईमानदार ऑफिसर का नाम है जिनका नाम है यहां पर संकरण, ठीक है। तो यहां पर इनके द्वारा काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले किया गया है इस तरीके की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, तो इसीलिए इनको यहां पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया है। तो यहां पर ये जो इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज के 1961 बैच के ऑफिसर है यहां पर आईआरएस, तो ऐसा नहीं है कि आईएएस बनकर ही आप लोग अच्छे काम कर सकते हो, आईपीएस बनकर ही अच्छे काम कर सकते हो। यूपीएससी के थ्रू जितनी भी सर्विसेज आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो सारी एक हाल तो यूपीएससी का नाम ही छोड़ दीजिए आप लोग, अगर किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो जिस भी पोस्ट पर आप लोग जाते हैं उस पोस्ट की गरिमा होती है। चाहे स्टेट पीसीएस के थ्रू आप लोग जाते हैं, चाहे एसएससी के थ्रू जाते हैं, कहीं बैंकिंग के थ्रू जाते हैं, आप लोगों के कंधों पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से आप लोग लेकर चल रहे हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करती है। तो उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है और तरीके से आप लोग लाइफ को इज्जत से जी पाओगे। यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है इसमें कई सारी बॉडी जो है वो यहां पर इन्वॉल्व है। यहां पर पहले बात की जा रही है नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में जिसको NBCFDC आप लोग बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस और डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन जिसको NSFDC बोलते हैं। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास के बारे में बात की जा रही है और फिर यहां शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, उसी के साथ में मिलकर यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं यहां पर ये सेंट्रल बैंक के साथ में साइन किया गया है ताकि हमारी कंट्री में एक स्कीम जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके जिसको बोला गया यहां पर वंचित इकाई जो है यहां पर समूह और जो है यहां पर वर्गन की ये आर्थिक जो वर्ग है उसकी आर्थिक जो सहायता करने की बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से जो वंचित इकाई होती है खासकर एक तरीके से एक समूह के अंदर उसमें खासकर जो वर्ग है उसको आर्थिक सहायता देने की कोशिश की जा रही है जिसको VIVS यानी कि विश्वास के नाम से यहां पर पुकारा गया है। तो यहां पर ये वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें सेंट्रल बैंक भी यहां पर हेल्प करने वाला है। तो जो बेसिकली ये जो स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये फाइनेंशियली इंपावर करना चाहती है लोगों को, यानी कि एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराना चाहती है पैसे के मामले में ताकि अगर वो कुछ करना चाहते हैं वो ढंग से कर सकें। और इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो इंडिविजुअल है सबको यहां पर सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। तो क्या क्या सहायता मिलेगी, कैसे कैसे चीजें यहां पर, तो यहां पर जो स्कीम है यहां पर ये बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी ओबीसी एससी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो वो लोन ले सकते हैं अप टू द 4 लाख, ठीक है। इसी के साथ में जो ओबीसी और एससी जो इंडिविजुअल हैं,
ठीक है। तो यहां पर ग्रुप की और इंडिविजुअल की बात की जा रही है, वो लोन ले सकते हैं 2 लाख तक का, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जा रही है इंटरेस्ट सबवेंशन जो बेनिफिट है, वहां पर 5% डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस तरीके से बेनिफिट 5% डायरेक्टली इनटू द जस्ट जो अकाउंट है उनके, खासकर जो बोरोवर आप लोगों को बेनिफिशियरी के अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में यहां पर जो ऐसे लोग हैं इस पर्टिकुलर वर्क के जो कि किसी तरीके से परेशान है, उनकी हेल्प करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जिसको बोला गया यहां पर वंचित इकाई समूह और जो वर्ग है उनकी आर्थिक सहायता करने की बात। और स्कीम का नाम क्या है, यहां पर विश्वास नाम रखा गया इस स्कीम का। तो विश्वास नहीं तोड़ना है किसी का भी, ठीक है। तो यहां पर विश्वास रखना है, तो इसलिए यहां पर जनता भी विश्वास करेगी अगर गवर्नमेंट अपने काम अच्छे से करेगी तो। अवार्ड और ऑनर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसको समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर देखने को मिल रही है। काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी कंट्री के बारे में जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंटरनेशनल बॉडी है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये यहां पर है UNCTAD, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूएन की एक बॉडी है, इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया को नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को यहां पर विनर 2020 का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। तो जो इन्वेस्टमेंट में प्रमोशन होता है उसका अवार्ड यहां पर हमारी कंट्री में दिया गया है, और अभी इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया जो है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है हमारी कंट्री के अंदर, जिसको यूनाइटेड नेशन का जो यहां पर कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड जो है यहां पर ये आउटस्टैंडिंग ये अचीवमेंट दिखाता है, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस हमारी रही यहां पर बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी यहां पर ये एजेंसी रही है उनमें सबसे बेस्ट एजेंसी हमारी कंट्री की यहां पर एजेंसी है इन्वेस्ट इंडिया, इसका रिकॉर्ड यहां पर देखने को मिला, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये सेंट्रल एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है IPA यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। इसी के साथ में आइडेंटिफाई करती है बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। तो पहले यहां पर ये अवार्ड जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इनको भी यहां पर मिल चुका है, पास्ट में ये विनर रह चुके हैं। अब की बार कौन बना, अब की बार बना हमारी कंट्री विनर। अगर बात करूं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1964 में। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि UNCTAD के पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट जो है वो डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज के साथ में। तो ताकि ट्रेड जो है वो बना रहे और सब में डेवलपमेंट, एक तरीके से अगर डेवलपमेंट अच्छा रहता है तभी जनता तक चीजें पहुंचती है, अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो जनता तक चीजें नहीं पहुंचेगी, तो फिर दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक यहां पर मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो किसके बारे में बात की हम लोगों ने, यहां पर बात की एक अवार्ड के बारे में, अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। तो 2020 के लिए किसको दिया गया, इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया, दिया किसके द्वारा गया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब की बार ये 2020 में हमारी कंट्री को मिला है, ठीक है। तो ये थी न्यूज, आइए अब आगे बढ़ता हूं। अगली जो न्यूज है यहां पर एक कंट्री के बारे में जिसका नाम है बहरीन। तो यहां पर आप लोग ये रेड स्पॉट देख सकते हैं, हमारी कंट्री जो है उसके वेस्ट में ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो कंट्री है, थोड़ा सा जूम करके इसके बारे में अभी देखेंगे, तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी देख सकते हैं। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, वेस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमन, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो पर्शियन गल्फ के अंदर कतर देखने को मिलेगा, और कतर के थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को यहां पर बहरीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जूम यहां पर थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये हो गया आप लोगों के सामने बहरीन, ठीक है। तो ये हो गया बहरीन, यहां पर बात करें यहां पर मनामा, इसकी कैपिटल है बहरीन की। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, एग्जैक्ट अब आप लोग यहां पर इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, और ये वो एरिया जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो बहरीन, मनामा हो गया यहां पर इसकी कैपिटल। थोड़ा सा नीचे अगर आप लोग आएंगे यहां पर, तो ये कतर देखने को मिल रहा है, जिसकी कैपिटल क्या है, दोहा, ठीक है। इसी एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, UAE जिसको बोलते हैं, उसकी कैपिटल क्या है यहां पर, देखिए इसकी कैपिटल है अबू धाबी। दुबई में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दुबई फेमस एरिया है तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर हो गया ईरान, थोड़ा सा इसको जब जूम करके देखेंगे तो ये काफी पर्टिकुलर और इंपॉर्टेंट एरिया है यहां पर, जो यहां पर ईरान के जो नीचे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक हार्मुज है यहां पर, ये दो स्टेट जो वाटर बॉडीज को जो जोड़ता है बेसिकली हार्मुज, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक है। तो स्टेट है यहां पर ये जो कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला, तो ये ईरान के जस्ट नीचे है। तो इसमें कई सारी अभी दिक्कतें देखने को मिली जब डोनाल्ड ट्रंप थे यहां पर प्रेसिडेंट, तो ये जो हार्मुज है, स्टेट ऑफ हार्मुज, वो पर्शियन गल्फ और जो यहां पर गल्फ ऑफ ओमन, तो इनको आपस में कनेक्ट करता है। तो ये याद रखना, ये कहां पर पाया जाता है, ये यहां पर जो बेसिकली हमारी कंट्री की साइड से अगर चलें तो ये अरेबियन ओशियन के अंदर ये एक्सटेंडेड पोर्शन है यहां पर, जिसको ये आप लोग ब्लू आप लोगों को दिख रहा है, तो हमारी कंट्री के वेस्ट में आप लोगों को नजर आएगा। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ओमन, ठीक है। और थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे तो यहां पर ये आप लोग गल्फ ऑफ एदन देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर हो गया रेड सी। अच्छा चलिए, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको एक होर्न के नाम से भी बोला जाता है, तो यहां पर होर्न ऑफ अफ्रीका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो कौन कौन सी कंट्री है ये इसमें बताइए आप लोग। अब बात करते हैं यहां पर, ये जो बेसिकली पर्सनैलिटी है इनका नाम है जहान दारूवाला, ठीक है।
तो जहान जो दारू वाला है यहां पर, इनको रिसेंटली अभी इनके द्वारा ये यहां पर शिखर ग्रांड प्रिक बहरीन, तो बहरीन के अंदर जो फॉर्मूला वन रेस थी ये जीत ली गई है, तो इनके द्वारा हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है क्योंकि पहले भारतीय बन गए हैं ये, और जो रेड बुल की साइड से खेल रहे थे, ठीक है, तो रेड बुल की साइड से खेलने वाले पहले भारतीय बन गए, तो इन्होंने इतिहास रच दिया है। रेड बुल जो यहां पर ये जो कंपनी है यहां पर ये यूके इनके यूनाइटेड किंगडम के अंदर बेस्ड कंपनी है यहां पर ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी के द्वारा जीता गया है। तो जो बात की जा रही है यहां पर ये जो FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप है, ये सेकंड टायर सिंगल सीटर जो रेसिंग है उसके चलते यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि ऑर्गेनाइज कराई जाती है फेडरेशन इंटरनेशनल डे यहां पर ऑटोमोबाइल FIA आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो चैंपियनशिप है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2017 में, ताकि जो फॉर्मूला 1 की जो मेन सीरीज है उसके एक तरीके से उसके लिए भी यहां पर तैयार किया सके, और ये एक तरीके की अफोर्डेबल भी यहां पर टीम यहां पर बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये है जिहान जिनके द्वारा यहां पर ये रेस जीती गई है। तो दारू वाला याद रख लीजिएगा, दारू पीकर रेस जीत डाली लोंडे ने, ठीक है, तो ऐसे रख लीजिएगा याद, जिहान दारू वाला वो एक तरीके से रेड बुल पीकर या रेड वाइन पीकर सांड के ऊपर बैठ गया, तो इसको याद रख लीजिएगा रेड बुल, ठीक है, एग्जाम में याद आना चाहिए बेसिकली, और कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में याद नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और आप लोग भी इससे इंस्पायर हो सकते हैं, ये इस तरीके की न्यूज है जिसको लगता है ना कि यार एक स्कूल का टीचर क्या करेगा, एक छोटा सा स्कूल का टीचर बन गया उससे क्या होगा लाइफ में, तो यहां से आप लोग देखते हैं कि क्या क्या काम कर सकते हैं लोग। ये यहां पर बात की जा रही है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक है, ठीक है, ये जो शिक्षक है यहां पर इनको रिसेंटली अभी जो अवार्ड मिला है वो सुनकर आप लोगों की आंखें चकरा जाएंगी। $1 million जो यूएसए के जो एक तरीके से डॉलर है वो इनको अवार्ड मिला है, और ये ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 तो यहां पर इनको मिला है, जिनका नाम है यहां पर रणजीत सिन्हा दसाले, ठीक है, तो यहां पर रणजीत जो सिन्हा दसाले हैं इनको ये अवार्ड मिला है। ये कहां के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। तो इनके द्वारा कई सारे काम किए गए हैं, सबसे पहले तो यहां पर इनके द्वारा QR कोड ऐड किया गया था बुक के अंदर, किताबों के अंदर, तो आज के दिन में हमारी कंट्री में जो NCERT है, ठीक है, तो NCERT के द्वारा भी यहां पर QR कोड यूज किया जाते हैं, तो इसके चलते हमारी कंट्री में NCERT ने 2018 में QR कोड लगाना स्टार्ट कर दिया था। इनको जो अवार्ड मिल चुके हैं यहां पर, इसके अलावा यहां पर ये वाकरे फाउंडेशन के बारे में बात की जा रही है, जो अवार्ड यहां पर एस्टेब्लिश किया गया है ये यहां पर वाकरे फाउंडेशन के द्वारा किसके साथ है मिलकर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल टीचर प्राइज ये किसके साथ है मिलकर किसके द्वारा दिया जाता है, तो यहां पर ये वर्क के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है यूनेस्को के साथ में मिलकर, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को मिला है ये अवार्ड अब की बार में। तो यहां पर रणजीत सिन्हा दसाले को ये अवार्ड मिला है जिसमें $1 million इनके द्वारा जीते गए। $1 million का मतलब हो गया $10 लाख, ठीक है, $10 लाख का मतलब हो गया 70 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 10 लाख यानी कि $1 में अगर 70 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं ₹70 हो जाएगा, ये मोटे मोटे तौर पर 70 है, वैसे आप लोगों को ये 72, 73, 74 ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता। तो जब पूरा अमाउंट आप लोग यहां पर निकालेंगे तो ये हो जाएंगे ₹7 करोड़, ठीक है, तो 7 CR यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये ₹7 करोड़ यहां पर होंगे। अगर बात करें कौन बनेगा करोड़पति भी, अगर आप लोग खेलते हैं तो ₹1 करोड़ जीते हैं, तो यहां पर ₹7 करोड़ इनके द्वारा जीते गए, क्योंकि एक रिवोल्यूशनरी चेंज एजुकेशन सिस्टम के द्वारा इनके द्वारा लाया गया है। तो जो दिसाले यहां पर ये इंडियन रिसर्चर ऑफ द ईयर यहां पर 2016 का अवार्ड भी इनको मिला था, और जो सत्य नंडेलाज बुक जो हिट रेफर्स, तो यहां पर भी यहां पर इनको मेंशन किया गया है। तो ये कई सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया, तो काफी लंबे समय से यहां पर ये इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक मुहिम है यहां पर जिसमें एजुकेशन को ये इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनकर भी आप लोग काफी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो आप लोग अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो एजुकेशन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कोई रिवोल्यूशनरी आइडिया है आप लोगों के माइंड में, देखिए अगर आप लोगों के माइंड में रिवोल्यूशनरी आइडिया है ना, तो आप लोग उसको कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, या फिर जिस भी एरिया से आप लोग निकल के आते हैं। एग्रीकल्चर में भी रिवोल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कई सारे लोगों के द्वारा, इसीलिए एग्रीकल्चर भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो आज के डेट में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स के नाम आप लोग सुनते हैं, या फिर जो भी आज के में नई नई चीजें वैरायटी गेहूं की, चावल की, गन्ने की जो निकल कर आ रही है, तो ये किसी ने किसी के द्वारा स्टडी की गई है, अपना इस तरीके से स्टडी रिसर्च करके इनको बीजों को बनाया गया है, तो इसलिए किसी भी फील्ड में आप लोग ये काम कर सकते हैं, बस अंदर चाह होनी चाहिए कुछ करने की, और यहां से आए हो तो कुछ करके ही जाना, ऐसा नहीं कि आए और चले गए और किसी को पता भी नहीं चला है, ठीक है।
आगे यहाँ पर जो न्यूज है ये भी काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 37 यहाँ पर जनरल बॉडी मीटिंग देखने को मिली, सेंट्रल जू अथॉरिटी की जो मीटिंग यहाँ पर निकल कर आई, तो किसके द्वारा चेयर की गई, तो चेयर की गई हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, कौन है आज के में, यह प्रकाश जावड़ेकर साहब। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा दो जू है, इनके दो चिड़ियाघर है, यहां पर एक का नाम है यहां पर राजगीर जू सफारी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर देखने को मिलता है। क्या कोई इसके आसपास में रहता है, अगर हाँ तो बताइए और इसका थोड़ा सा विवरण दीजिए कि कैसा है, क्या घूमने लायक, क्या कंडीशन है यहां पर ये, ताकि हमारे परिवार के मेंबर भी यहां पर घूमने जा सके, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। दूसरा यहां पर शहीद अशफाक उल्ला खां, ये है यहां पर प्राणी उद्यान इन गोरखपुर, तो गोरखपुर वासी कौन कौन है वो भी बता सकते हैं, किसने देखा है इसको गोरखपुर के अंदर, तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो जो राजगीर जू सफारी है यहां पर नालंदा बिहार के अंदर, इसको बोला गया काफी बड़ा एरिया यहां पर देखने को मिल रहा है, और ये हिस्टोरिकल जो इसकी इंपोर्टेंस है, क्योंकि नालंदा के अंदर है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा बिहार के अंदर, तो उसी के साथ में कनेक्टेड है। तो नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर विदेशों से भी यहां पर लोग पढ़ने आते थे, इवन चाइना से भी, और आज के दिन में हमारी कंट्री की हालत ऐसी हो गई है कि हमारी कंट्री के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। ये दिल को दुखी करने वाली एक चीज मुझे लगती है कि पास्ट में हम लोग ऐसे थे और आज के दिन में हम लोग कैसे हो गए, तो फिर से हम लोग को अपनी कंट्री को उसी लेवल पर लेकर आना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज के में हमारी कंट्री में निठल्ले लोग ज्यादा हो गए, जिसको चाहिए सब कुछ फ्री में, मेहनत ना करनी पड़े, बस फ्री में मिल जाए सब कुछ, और जिसको फ्री में चीजें मिल जाती है करप्शन करके उल्टी सीधी हरकतें करके, वो कभी उसकी इज्जत नहीं करता है। तो शहीद अशफाक उल्ला खां के बारे में बात की जा रही है, तो शहीद अशफाक उल्ला खां जो है ये प्राणी उद्यान गोरखपुर के बारे में जो बात की जा रही है, तो यहां पर ये इसको भी एज ए जू के तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जू है स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर, टोटल 9 जू अब यहां पर हो गए हैं, जो कि यहां पर एक तरीके से ये यहां पर जो बात की जा रही है ये काफी इंपोर्टेंट है, सिचुएटेड है स्पिरिचुअल लैंड गोरखपुर के अंदर में, ठीक है। तो जो आप लोग इसको चाहे विजिट करना तो आप लोग इसको विजिट जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये ट्विटर के बारे में, ट्विटर आज की डेट में काफी एक इंपॉर्टेंट और काफी प्यार करने वाली सोशल मीडिया साइट हो गई है, और खासकर जब लॉकडाउन चला तो ट्विटर में दुनिया भर की चीजें यहां पर ट्वीट की गई, दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया हैंडल पर बैठे रहे। तो विजय है यहां पर एक्टर विजय, साउथ इंडिया के जो ट्रेन की जो सेल्फी थी यहां पर, ये सबसे ज्यादा रीट्वीट की गई 2020 में। विराट कोहली और जो अनुष्का शर्मा के द्वारा बताया गया कि वो बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो उनकी जो वो ट्वीट था वो सबसे ज्यादा लाइक किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये है यहां पर कंडीशन आज के में, क्योंकि लोग जो है कोविड-19 के चलते डिजिटल मीडिया पर काफी लार्ज स्केल पर अपने आप को कनेक्ट किया। इसी के साथ में अगर बात करें लाइटनिंग लैंप्स ट्वीट के बारे में बात की जा रही है, तो पॉलिटिक्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया था लाइटनिंग लैंप के तौर पर, यहां पर जो एक तरीके से ये मोस्ट रीट्वीट किया गया। इसी के साथ में जो फॉर्मर जो इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का ट्वीट किया गया ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए मोदी जी के लिए, तो वो भी काफी ज्यादा सराहा गया। इसी के साथ में यहां पर आईपीएल और दिल बेचारा, ये काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर देखने को मिले। तो ये यहां पर खासकर स्पोर्ट के अंदर और यहां पर जो मूवीज के अंदर सबसे ज्यादा हैशटैग ये वायरल हुए, और एक काफी इंपोर्टेंट हैशटैग था जिसका नाम था विनोद। आप लोगों ने देखा होगा विनोद 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 चल रहा था, ये विनोद कौन है किसी को कुछ नहीं पता था, तो ये भी काफी लार्ज स्केल पर यहां पर हैशटैग विनोद चला। इसी के साथ में काफी सारे लोगों के द्वारा कोविड-19 के बारे में सर्च किए गए टॉपिक, कोविड-19 के बारे में सर्च किया गया, और यहां पर सुशांत सिंह राजपूत जो है वो काफी लार्ज स्केल पर काफी बार यहां पर ट्रेंडिंग में रहे। हैशटैग जो खासकर अगर चला यहां पर हाथरस के बारे में, तो हाथरस जो केस होता हमारी कंट्री में इसने सबके दिल को दहला दिया, तो वो भी काफी ज्यादा यहां पर न्यूज में देखने को मिला। कोविड-19 के बारे में बात की तो कोविड-19 से रिलेटेड हैशटैग भी यहां पर देखने को मिले, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। खासकर अगर बात की जाए जैसे कि मास्क पहनना है, कर्फ्यू में क्या चल रहा है, यहां पर जब यहां पर बात की गई लॉकडाउन लग गया, तो ऐसी चीजें भी काफी ज्यादा यहां पर ट्रेंडिंग में देखने को मिली, ठीक है। तो ये ट्विटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, और अगर आप लोग ट्विटर पर हैं तो मेरे साथ भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं यहां पर ट्विटर के ऊपर, यहां पर कई सारी चीजें शेयर की जाती है, तो आप लोग यहां पर मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहां पर ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके बारे में इंपोर्टेंट यहां पर न्यूज है, ये 148 आर्टिकल के अंदर आता है, यानी कि एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी कंट्री की। ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करता हुआ नजर आता है, और पब्लिक फंड यानी कि पब्लिक मनी का गार्जियन बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको जनरल ऑडिटर के तरीके से भी आप लोग यहां पर देखते हैं। तो आंसर हो गया यहां पर बी, हमारी कंट्री में कौन है आज के में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो जीसी मुर्मू, ये वही पर्सनैलिटी है जो कि जब जम्मू एंड कश्मीर एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो उस टाइम पर जो फर्स्ट एलजी थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो यही पर्सनैलिटी थे, तो इसलिए कंफ्यूजन में आप लोग मत आइएगा। नॉमिनेटर कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और अपॉइंट कौन करते हैं यहां पर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि 6 साल के लिए या फिर 65 साल, तो जो भी पहले हो जाए, तो ये इनका यहां पर टर्म रहता है जो कि इस ऑफिस में यहां पर ये बने रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि कंफ्यूजन में नहीं आना है आप लोगों को, तो कई बार कंफ्यूजन में डाल दिया जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है।
एक और क्वेश्चन आप लोगों का बचा होता है जिसका आंसर मुझे देना था यहाँ पर, ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंस बॉडी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, तो कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है यहाँ पर किसके अंडर में, तो ये देखने को मिलता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सही आंसर हो गया इसका सही ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछ ली जाती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बाकी और क्या बातें इसके बारे में की जा रही है, तो सेंट्रल जो सोशल वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया था इसको 1953 यानी कि 1953 में इसको बनाया गया था, रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वेलफेयर एक्टिविटी की जा सके, खासकर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सके, फैमिली के बारे में अगर बात करें तो फैमिली प्लानिंग, या फिर वुमेन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, एक तरह सोसाइटी को कैसे अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस इसके द्वारा दिया जाता है। तो यह है इसका बेसिक पर्पज जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये था, अभी हम लोग रिव्यू करेंगे क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, पूरा लेक्चर देखकर जाया कीजिए ताकि वीडियो के एंड में जो रिवीजन होता है उसको भी आप लोग ध्यान रख सकें। रिवीजन एक ऐसी सक्सेस की है जो कि अगर आप लोग नहीं फॉलो करेंगे तो आप लोग फिर काफी नुकसान में फेस करेंगे, एग्जाम में काफी दिक्कत देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से आप लोग सुबह को उठते रहिए, काफी अच्छा लगता है जब सुबह को उठ के मेरे साथ में आप लोग वीडियो देखते हैं तो ये काफी अच्छा लगता है। तो नैनो मैगजीन 4 बजे और द हिंदू की वीडियो 7 बजे, कल जो थी ये लेट हो गई थी, आज जो है ये आप लोग को टाइम पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे अगर यहां पर बात करते हैं कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक एक कर देख लेते हैं। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ तो हाल की हम लोगों ने एंड में देखी है, तो वैसी न्यूज़ थी। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर है भूटान के बारे में और बांग्लादेश के बारे में जाना, इसी के साथ में स्किल जो डेवलपमेंट सेंटर के बारे में कुछ हम लोगों ने बातें की। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर बातें की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में बातें की, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज़ के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी जो कि इंपोर्टेंट थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज थी यहां पर ये नेशनल बैकवर्ड क्लासेस और इसी के साथ में एससी शेड्यूल से रिलेटेड कास्ट से रिलेटेड कुछ चीजें जानी, कैसे उनकी हेल्प करने की बात की जा रही है, स्मगलिंग को कैसे रोका जा सकता है, कौन सा अवार्ड है और क्या क्या बातें हैं वो सारी समझी, यूनाइटेड नेशन ट्रेड डेवलपमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने जानी, इसी के साथ में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है जहान दारूवाला, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहां पर ये बात की जा रही है ग्लोबल टीचर अवार्ड के बारे में, तो डिटेल में जाना, यूनेस्को के साथ मिलकर ये अवार्ड दिया जाता है, 2 जू जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो और बिहार के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दी। तो आज का जो क्विज है इसको पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के बारे में बात की जा रही है, इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है। बांग्लादेश के द्वारा कौन सी कंट्री के साथ में यहां पर ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया ये बताना है, कौन सी गवर्नमेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करें जिसने अभी यहां पर एक ट्राइब के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बारे में बात पहुंचाने की कोशिश की, कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्मगलिंग एंड इंडिया जो स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट के प्रस्तुत करती है, DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस कौन सा अवार्ड प्रस्तुत करते हैं, और इस पर्सनैलिटी का नाम बताना है 2020 में जिसको यह अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की, तो इंडिया को कौन सा अवार्ड दिया गया है ये बताना है, इसी के साथ में यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर ये जू के बारे में बात की जा रही है, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉग्नाइज इनको किया गया है। तो ये था आज का ये बेसिकली रिवीजन। आइए अब बात करते हैं कल के क्विज के बारे में जो कि आप लोगों के लिए एक और रिवीजन यहां पर देखने को मिल रहा है। लोकसभा के अंदर सीट बढ़ाने की बात की जा रही है, तो कितनी कब तक सीट बढ़ाने की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है, ताकि यहां पर हमारी कंट्री में पहली जो लास्ट टाइम बढ़ी थी वो 1971 के सेंसस के हिसाब से बढ़ाई गई थी। यहां पर जो खर्चा होने वाला है ये लगभग 900 करोड़ से ऊपर खर्चा होने वाला है, ठीक है, तो कोई 900 इसको एक बोल रहा है, कोई 971 बोल रहा है, तो लगभग 900 करोड़ रुपए याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार करने की बात की जा रही है। आगरा जो मेट्रो स्टेशन है वो किस किस को कनेक्ट करने की बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री है जो आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है आयुष के साथ में उसके एक्सपोर्ट के लिए, इसी के साथ में 10 में से 1 इंडियन जो है उसको कैंसर होता है ये किसके द्वारा बोला गया, और 15 में से 1 की जान चली जाती है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये 8848 मीटर है, तो चाइना और नेपाल के द्वारा इसको नाप दिया गया है, तो अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है जिसका नाम है यहां पर विजय विट्ठल टेंपल, तो कहां पर ये लोकेटेड है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। आंसर देख लेते हैं यहां पर एक एक करकर, यहां पर जो बात की जा रही है सेंसस 1971 का था, अब 2026 में इसको ये बेसिकली इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो देखते हैं कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकलकर आते हैं। टाटा प्रोजेक्ट ग्रुप यहां पर इसको इंप्लीमेंट करें। आगरा फोर्ट और ताजमहल जो है आगरा के अंदर उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आयुष जो है मिलकर काम कर रहे हैं आयुष प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। यह बात की जा रही है वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट WHO के द्वारा तैयार की जाती है। माउंट एवरेस्ट जो इंडिया के द्वारा नापा गया था, ठीक है, तो 8848 मीटर था यहां पर ये, ठीक है, इनके द्वारा जो नई जो बताई गई है भी 8848 दशमलव
8.6 मीटर। तो नई हाट अभी चाइना और नेपाल के द्वारा यहां पर बताई गई है, ठीक है। इंडिया का नाम हटाना था बेसिकली, और कुछ नहीं करना था इनको यहां से। विजय विट्ठल जो टेम्पल है ये हम्पी कर्नाटका के अंदर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आज की यही था आज का यहां पर डिस्कशन। तो मेरी एसएलवी आर्मी कैसा रहा आज का ये लेक्चर और कैसा लग रहा है सुबह उठकर? देखिए थोड़े से दिन अपना जोश बनाए रखिए, फिर आदत बन जाएगी और ये जोश कंटिन्यू रहेगा। और जब दिन में आप लोग जल्दी अपने दिन को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक अलग सही अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार दुनिया सो रही है और मैं जग रहा हूं, तो आई एम द बॉस, ठीक है। मैं एक बार यहां पर एक इंटरव्यू सुन रहा था यहाँ पर शाहरुख खान का, तो वो जो बंदा है मॉर्निंग में लगभग 3-4 बजे उठकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानते हैं, वो भी इसी तरीके से अपना दिन स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्ल्ड में महान महान पर्सनैलिटी है वो अपना दिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप भी कुछ चुनिंदा महान पर्सनैलिटी में आ गए हैं जो सुबह को 4 बजे उठकर लेक्चर देखते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर प्राउड फील करो कि आप लोग ये काम कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है ये, ठीक है। तो आप यूनिक हो गए हो यहाँ पर, ओके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि दानदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन रहेगा। आज का लेक्चर कैसा रहा, बकवास या झक्कास, तो जरूर बताएगा। अगर बकवास रहा तो डिसलाइक करना, अगर झक्कास रहा तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेक्चर पहुंचाया जा सके। तो इसको पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो हमेशा ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, तो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे उतना ही ज्यादा सोसाइटी अच्छी होगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय।